सुबह सुबह लोगों को चाय पीने के लिए मिलता है, लेकिन आज फतेहपुर में लोगों को दारू पीने के लिए मिल गया। लेकिन जो पीने वाले हैं वो लूट कर ले गए हैं। ये बिहार में शराबबंदी की खेल जो है, हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। सामने गाड़ी जो पड़ी है ये अभी जो है ये वजीरगंज फतेहपुर सड़क मार्ग के पास है और हम अभी बुधौल गाँव के पास है, जहाँ बोलेरो में जो है वो शराब भरी हुई थी, थोड़ा आगे आ जाएंगे, और अचानक ये गाड़ी जो है वो पलटी मार दी है और इसमें जितना भी शराब था वो यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ शराब की बोतलें जो है वो फूट गई है, लेकिन कुछ शराब की बोतलें इधर आसपास के गांव के लोग जो है वो लूट कर ले गए हैं और पानी भी आ चुका है। ये तस्वीर पूरा दिखा देंगे, गाड़ी की नंबर दिखा देंगे। ये गाड़ी जो है वो पलटी मारी, गाड़ी खेत में चली गई थी क्या? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिखा देंगे कि पूरी ये तस्वीर है, सभी जगह जो है वो शराब की बोतलें जो है वो टूटी पड़ी है। अब हालांकि यहाँ से अभी प्रशासन को भी फोन किया गया, अभी तक प्रशासन नहीं पहुंची है। और ये देखिए शराब कारोबारी, इधर आ जाएंगे थोड़ा दिखा देंगे, यहाँ पे दिखा देंगे, ये कार्टून में भी अंदर भी जो है वो शीशे जो है वो फूटे हुए हैं। लेकिन ये स्पष्ट बता दें कि गांव के यहाँ आसपास के जो लोग थे वो शराब लूट ले, भी पानी आ चुका है, हम थोड़ा देर रुकेंगे। ये शराब की टूटी फूटी बोतलें सड़कें पर क्यों पड़ी है, आप यही सोच रहे हैं ना, तो हम पूरी विस्तार से आपको बता रहे हैं। दरअसल शराब से भरी थी बोलेरो गाड़ी, लेकिन शराब माफिया का दिन खराब था। लगभग 2 लाख की शराब से भरी बोलेरो गाड़ी पलटी मार दी, फिर क्या था, आसपास के लोगों को जैसे ही जानकारी मिली कि गाड़ी में शराब थी तो गाँव के लोग शराब लूटने मौके पर पहुँच गए और सारी शराब की बोतलें लूट ली। घटना के करीब 1 घंटे बाद जब पुलिस पहुंची तो प्रशासन को एक भी शराब का बोतल नहीं मिला, हालांकि गाड़ी को प्रशासन ने अपने कब्जे में ले लिया है। और ये सड़कों पर देख सकते हैं कि किस तरह से शराब की टूटी बोतलें पड़ी हुई है और आसपास के ग्रामीण गाड़ी को घेरे हुए हैं। प्रशासन की गाड़ी भी देख सकते हैं कि पहुंच गई है और प्रशासन इस गाड़ी को अपने कब्जे में लेकर जो है वो थाने चली आई है। वहीं गाड़ी के ड्राइवर और शराब माफिया फरार हो गए हैं। प्रशासन पता लगा रही है कि शराब की बोतलें किनके घर पहुंची है और किनके यहाँ जाम छलक रहा है। तो लगभग आधा घंटा से लगभग 1 घंटे हो गए हैं और प्रशासन की गाड़ी जो है अभी तक नहीं पहुंची है और लग रहा है कि प्रशासन की गाड़ी अब आ चुकी है। तो यहाँ पर जो है बोलेरो से भरी शराब की गाड़ी जो है वो पलटी मार दी और देख सकते हैं यहाँ पर ये शराब की बोतलें की जो ये शीशे के टुकड़े हैं ये स्पष्ट बता रहा है कि इस गाड़ी में जो है वो शराब भरा था। प्रशासन की गाड़ी देखिए यहाँ पर मौके पर पहुँच गई है, हालांकि हमने भी फ़ोन किया था उस समय तक जो है लगभग गाड़ी पलटे हुए लगभग 1 घंटे हो चुके हैं। अब प्रशासन की टीम यहाँ पर पहुँची है और यहाँ पर स्थानीय लोग भी हैं। क्या भाई साहब, हाँ प्रशासन पहुँच गई है दलबल के साथ। अच्छा ये बताइए, देखे थे क्या गाड़ी पलटी जब हुई है? हमको नहीं पता। क्या डर का आ रहा है जी? हम नहीं देखे हैं। कहाँ घर हुआ आपका? मेरा घर हुआ है राजेवीगा। अच्छा ये बताइए, बिहार में शराबबंदी सफल है? नहीं है। प्रशासन आइए कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, इसका बारे में थरथरा का आ रहा है, लग रहा है फांसी पर आफिक चढ़ा दिया जाएगा। तो चलिए अब स्पॉट पर यहाँ पर प्रशासन की टीम यहाँ पर दिखाएंगे पहुँच चुकी है और ये बिहार में शराबबंदी की पोल खोलती हुई और बीच सड़क पर ये गाड़ी जो है वो पलटी मार दी है और शराब तो एकदम क्या सर, आते आते तो शराब लुटा गया है। चलिए अब अपना ये लोग ड्यूटी करेंगे और गाड़ी जो है यहाँ से जब्त होकर जाएगी और अब शराब कौन कौन लूट कर ले गए हैं इसकी भी जांच पड़ताल जो है वो किया जाएगा। यहाँ पर दिखाएंगे कि टायर जो है वो फटी तरह टायर भी फट चुका है, हालांकि शराब माफियाओं के द्वारा लगातार प्रयास किया गया कि इस गाड़ी को यहाँ से लेकर जो है वो रफूचक्कर हो जाए, लेकिन टायर फट चुका था, हैंडल जो है वो लॉक हो चुकी थी, इस कारण से जो है शराब माफिया इस गाड़ी को नहीं ले जा पाए। तो चलिए अब प्रशासन पहुँच गई है और इस गाड़ी को जो है वो प्रशासन अपने कब्जे में लेगी और लेकर सीधा जो है वो थाने जाएगी। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर बिहार में शराबबंदी सफल है तो आए दिन इस तरह की घटना क्यों हो रही है और जिस तरह से ये लोग स्पीड में गाड़ी लेकर जाते हैं, शराब की ढुलाई करते हैं, रास्ते में अगर कोई अचानक बच्चा आ जाए, कोई वृद्ध व्यक्ति आ जाए तो ये लोग कुचलते हुए भी निकल सकते हैं। तो प्रशासन को इस पर ध्यान देनी चाहिए। हालांकि प्रशासन लगातार शराब कारोबारियों को पकड़ भी रही है, लेकिन शराब का धंधा जो है कम नहीं हो रहा है। तो ये बिहार की स्थिति है और ये घटना जो है वो गया जिले के फतेहपुर प्रखंड के बुधौल गांव के पास हुई है, जो वजीरगंज और फतेहपुर सड़क मार्ग पे है और यहाँ के आसपास के गांव के जो रहने वाले लोग थे, जो कुछ युवा थे, वो शराब लूट कर लेकर चले गए हैं। तो अब शराब की बरामदगी होगी कि नहीं ये तो थाने के लोग ही बताएंगे और यहाँ पर स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि गाँव के लोग भी पहुंचे हुए हैं। अब ये गाड़ी जो है वो सीधे थाने जाएगी। धन्यवाद।